नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। लॉकडाउन 3.0 के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। लॉकडाउन 3.0 जो कि 4 मई से 17 मई तक लगा हुआ है, इस पर हम सभी भारतवासियों को क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक जो भी 40 दिनों का जो लॉकडाउन रहा है, हम इसमें हमारे देशवासियों को किस तरह की क्या फायदा हुआ है और किस तरह का नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी तक हमारे 30 जनवरी से लेके 3 मई तक कोरोना वायरस के क्या केसेस का क्या आंकड़ा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे आपको क्या करना चाहिए और आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है या लॉकडाउन से रिलीफ मिल सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। तो लॉकडाउन 3.0 के बारे में हम बात करते हैं कि लॉकडाउन 3.0 में, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने प्रगति मीडिया की गाइडलाइंस या आपने गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में पढ़ा हुआ है, पोस्ट पढ़ी हुई है, तो उसमें हमने बताया हुआ है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, इन तीनों के बारे में हमने बताया हुआ है कि रेड जोन और ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या क्या छूट मिली हुई है और क्या क्या छूट नहीं मिली हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पोस्ट पर जाके आप पढ़ सकते हैं कि तीनों जोन में क्या छूट मिली हुई है और क्या छूट नहीं मिली हुई है। तो 3.0 के बारे में हम बात करते हैं कि लॉकडाउन 3.0 क्यों लगाया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होगा लॉकडाउन 3.0, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये लॉकडाउन का 3.0 लगाया गया है। और हो सकता है कि लॉकडाउन और भी आगे बढ़ेगा। कुछ सरकारी दफ्तर खुल सकते हैं और कुछ प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी खुल सकते हैं, दफ्तर खुल सकते हैं, वहाँ पे 33% लोग काम कर सकते हैं और एक गाड़ी के अंदर 2 लोग जा सकते हैं। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें छूट दी हुई हैं, कैब वगैरह, ट्रेन वगैरह तो ये बंद हैं। और हाँ, इसमें एक फ़ायदा है, इसमें एक इनको ये करना चाहिए था कि इसमें जो मजदूर लोग हैं, जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, उनको घर भेजने का जो इन्होंने सुविधा की है वो बहुत सही थी, और ये सुविधा उनको जल्द से जल्द भी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं जिनके पास में खाने का पीने का पैसा नहीं है और उनके लिए पास कोई भी ऐसी इनकम सेविंग नहीं है जिससे कि वो अपनी लाइफ को जी सकें। ये बहुत अच्छा किया कि उनको घर भेजा जा रहा है, और हर सरकार, हर प्रदेश की सरकार इसमें अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरे प्रयास में लगी हुई है। कुछ ऐसी सरकार भी हैं जो इससे थोड़ी खफा है। खफा इसलिए है क्योंकि जैसे पंजाब सरकार इससे, महाराष्ट्र की सरकार से खफा है क्योंकि जब पंजाब में लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, तो बिना टेस्टिंग के, बिना आइडेंटिफाई के, बिना वेरीफाई के उनको भेजा जा रहा है, तो इससे केसेस की संख्या बढ़ जाती है। तो बात आ जाती है कि हम लोगों के विचार से कि ये लॉकडाउन 3 ये प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं किया। हमारा एक अनुमान है कि हम लोगों का जो देशवासी हैं, हम लोगों के बारे में अगर कोई सोच सकता है या एक बड़ी सोच रख सकता है, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सरकार को ना देखते हुए हम देशवासियों को देखते हैं। हमारा अगर नतीजा निकाला जाए तो लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए था। इसमें हाँ, मजदूर लोग हैं जो लोग बाहर फंसे हुए हैं मजबूरी में, उन लोगों को घर भेजा जाए, लेकिन इसमें जो रिलीफ दिया गया है कि आप दफ्तर खोल सकते हैं, आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, मंदिर और मस्जिद बंद हैं, उन पे वहाँ पे कोई छूट दी नहीं गई है, लेकिन शराब की दुकान आप खोल सकते हैं, क्या सरकार है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी छूटें दी गई हैं जो सही नहीं है, और आंकड़ों से देखा जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आंकड़े कुछ हम बताते हैं कि आंकड़े किस तरह के रहे हैं अभी तक के। हमने कुछ लिस्ट बनाई है जो कि आप अगर जानते हैं तो आपको बहुत ही अचंभा होगा कि हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। तो इस समय हम अभी की बात करते हैं, पहले 3 मई, आज अभी हम 3 मई की तक बात करते हैं, 1 मई, 2 मई और 3 मई की। 1 मई को जो कोरोना के केस थे वो थे 35,043 कोरोना के केस थे, और 2 मई को जो केस हुए थे वो हुए थे 37,336 हुए थे। 35,043 और 37,336 में जो 2 मई को केस आए थे वो 2,293 नए केस आए थे,
बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये डेली के जो रिपोर्ट आ रही है 1500 या 1800 1900 या 1500 की करवन नीचे करवन इतनी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन 2 और 3 मई को कोरोना के नए केस बहुत ज़्यादा आए हैं। अब 3 मई की बात करें तो 3 मई को आज जो अभी प्रेजेंट में रिकॉर्ड है वो 4000 के भी ऊपर रिकॉर्ड है, 4000 के ऊपर रिकॉर्ड है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 37336 से और 4000 के ऊपर का रिकॉर्ड है, तो करवन 2500 के ऊपर नए केस आए हैं 3 मई को, 2500 के ऊपर नए केस आए हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हम देशवासियों को एक खतरे की तरफ लेता जा रहा है। और लॉकडाउन 3.0 लगा जो इसमें छूटें दी गई हैं वो छूटें नहीं देनी चाहिए थी। छूट क्यों दी गई है इसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था सही रहे और व्यापारियों पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने सोचा कि छूट देना सही है। और भारत की अर्थव्यवस्था, जो प्रदेशों की अर्थव्यवस्था है, जो इनकम सोर्स है, जो टैक्स वगैरह का कार्य है, वो सब एक सही मायने में चल सके, इसलिए ये छूट दी गई है। लेकिन जहाँ पर जो हम अगर कंडीशन देखें तो कुछ लोगों के हम देखते रहते हैं कि आए दिन लोग पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वॉरियर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमला कर रहे हैं। तो इस तरह से लॉकडाउन का पालन किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन में जो छूट दी गई है इससे मुझे लगता है कि 30 मई तक आने तक शायद हमारी जो आंकड़ा है कोरोना केस का वो 1 लाख के आसपास पे पहुंच जाए। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देशवासी किस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हैं ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। तो हमने कुछ आंकड़े और भी निकाले हैं। 30 जनवरी को जो हमारा कोरोना केस यहाँ पर आया था तो 1 पेशेंट था उस समय, 30 जनवरी को केवल 1 पेशेंट था। 25 फरवरी के बाद में 25 फरवरी तक 3 पेशेंट हुए थे और तीनों को रिलीफ कर दिया था, मतलब उनको ठीक कर दिया था। फिर 25 मार्च ठीक 1 महीने बाद में 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक 562 पेशेंट नए आए थे और उसमें से 43 लोगों को ठीक कर दिया, रिलीफ कर दिया था और 12 लोगों की डेथ हो गई थी, 12 लोग मारे जा चुके थे। अब 25 मार्च से अब 25 अप्रैल तक, 25 मार्च वो है जब लॉकडाउन स्टार्ट किया था, जब 562 केवल कोरोना के केस थे। अब 25 अप्रैल तक 26283 कोरोना के केस हुए थे, जिसमें से 6000 लोगों को रिलीफ कर दिया था और 825 लोगों की डेथ हो गई थी। और आज 3 मई 25 अप्रैल को 26283 थे और आज 3 मई को 40000 के करीबन कोरोना के केस हैं। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं कि 14000 केस केवल आपके कुछ दिनों के अंदर ही निकल के आए हैं। तो जो लॉकडाउन किया है सरकार ने, जो लॉकडाउन में कुछ छूटें दी गई हैं, इसका भुगतान हम सभी देशवासियों को करना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन में कुछ छूटें दी गई हैं ये एक तरह से अगर देशवासी के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। अगर सरकार की हित के में या फिर लोगों के हित में देखा जाए तो कहीं ये सही भी है, क्योंकि काम रोजी रोटी ज़रूरी है और हर तरह का कार्य जरूरी है, लेकिन अगर देशवासियों की तरफ से देखा जाए तो ये आंकड़ा बहुत गलत है। अब बात आती है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसमें सीधा सीधा आंकड़ा देख के लगता है कि लॉकडाउन जरूर आगे बढ़ेगा। और जो 17 मई तक बात रखी गई है लॉकडाउन तक रिलीफ करने की, शायद ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन आज 3 मई है, 10 मई तक लॉकडाउन जो कोरोना के केस हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का पालन किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। हर कोई बाहर निकलेगा, हर किसी को जाने की पड़ेगी, हर कोई अपने अपने काम से बाहर निकलेगा, कोरोना के केस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे 10 मई तक। और हो सकता है कि लॉकडाउन फिर बीच में प्रधानमंत्री जी को लगाना पड़ जाए और लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। और इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए या सरकार को किस तरह के कदम, सरकार काफ़ी समझदार है, काफ़ी आगे की सोच रखती है,
सरकार को भी पता है कि आंकड़े क्या हैं, सरकार भी जानते हैं कि आंकड़े क्या हैं, कि कोरोना के केस कहां तक पहुंच सकता है, हम देशवासी कहां तक जा सकते हैं। जिन देशों ने लॉकडाउन को नहीं माना, जिन देशों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, उन देशों की हालत आप जान सकते हैं। अमेरिका जो इतना बड़ा राष्ट्र होके और इतना ताकतवर होके वो लॉकडाउन उन्होंने नहीं अच्छे से निभाया, तो आज उस देश की हालत आप जान सकते हैं। वही हालत अगर लॉकडाउन की ऐसे ही रिलीफ देते रहे, लॉकडाउन में इस तरह की छूट होती रही, तो काश हमारा भारत देश भी शायद अमेरिका को भी शायद पीछे छोड़ देगा। तो ये सोच के भी हमको थोड़ा डर लगता है। अब हमने हमारे प्रगति मीडिया की टीम ने यह जानकारी आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपको जो लॉकडाउन में छूट दी गई है आप उसका सही तरीके से पालन करें, आप गैर जरूरत या गैर तरीके से उस चीज़ का आप फ़ायदा ना उठाएं। हमारे जो मीडिया के ऑफिस हैं वहाँ भी हमने खुद से काफ़ी लोगों को छूट दी हुई है, जो पहले लोग आ रहे थे लॉकडाउन में जो काम करने के लिए जो बंदे जो लोग आ रहे थे केवल वही लोग आएंगे। हमने ज़्यादा स्टाफ नहीं बढ़ाया है, नहीं हमको स्टाफ बुलाना है क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना केस ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ में घूम रहे हैं या जिन लोगों को आप बुला रहे हैं शायद हो सकता है कि वो कहीं कोरोना वायरस तो नहीं, कहीं कोरोना वायरस से वो पीड़ित तो नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा सावधानी बरतनी है और आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। हर आंकड़े आपको, हर ग्राफ आपको देखना है और लॉकडाउन का आपको नियम से पालन करना है। और अगर आपको जो रिलीफ जो दी गई है उनको आपको बहुत बेहतर तरीके से मानना है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी आप जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हम लोगों का साथ दें। अगर आपको ये वीडियो में अगर आपको कहीं कमी लगती है कि हमको ये जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।